क्या आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो गया है? यदि हाँ तो सतर्क हो जाइए। दरअसल नोएडा ट्रैफिक पुलिस उन कारों के खिलाफ अभियान शुरू करने वाली है। ऐसे में यदि जिनके 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है लेकिन वे सड़कों पर वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार देश में बढ़ते प्रदूषण के गंभीर स्थिति को देखते हुए वाहन कबाड़ नीति यानी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लेकर दिशा निर्देश जारी कर चुकी है ताकि सड़कों से पुराने वाहनों को हटाया जा सके जो कि तय मानक से ज्यादा प्रदूषण फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। नोएडा ट्रैफिक पुलिस कल से ऐसे वाहनों को जब्त करने के लिए कार्रवाई शुरू करेगी जिनका रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो चुका है, जिसमें 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां शामिल है। इस कार्रवाई के लिए पुलिस की कई टीम बनाई गई हैं जिन्हें अलग अलग जगह पर तैनात किया जाएगा। पुलिस ने इसके लिए 6 टीमें बनाई है। ट्रैफिक पुलिस का यह अभियान 1 फरवरी से शुरू हो चुका है। बता दें कि नोएडा के आरटीओ ऑफिस ने 119,000 से ज्यादा पेट्रोल और डीजल कारों को नोटिस भेजा है जिनका रजिस्ट्रेशन पिछले साल रद्द किया गया था। इन कारों में 13 कारें डीएम ऑफिस, पुलिस हेडक्वार्टर, जिला अदालत, व्यापारक कर आयुक्त, परिवार कल्याण विभाग और निगरानी चिकित्सक अधिकारी भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए कबाड़ नीति व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी जारी की थी। सरकार की नीति को लेकर लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया जिसके बाद ये नोटिस भेजे गए थे। बताया जा रहा कि सबसे पहले UP-16 जेट नंबर से शुरू होने वाली 15 साल से ज्यादा पुरानी कारों का शिकंजा कसा जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में 119,000 वाहन होने की सूचना है। प्रशासन ने 2 महीने पहले इन वाहनों के मालिक को नोटिस भेजा था। हालांकि RTO में NOC लेने के बाद मालिकों को इन वाहनों को दूसरे शहर में ले जाने की इजाजत मिल चुकी है। 1 फरवरी से प्रशासन टीमों का इस्तेमाल कर इन वाहनों को रिकवर किया जाएगा।